गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल बीडीएन पब्लिक स्कूल। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर फोर्थ वीडियो क्लास ऑफ चैप्टर जलवायु ऑफ क्लास नाइन्थ ज्योग्राफी। लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक। देखो यहाँ पर बताया गया है, ठीक है, पिछले क्लास में हमने यहाँ तक रीड कर लिया था, ठीक है, इसके आगे हमने रीड करना है आज। देखो, इसके विपरीत दक्षिण महासागरों के ऊपर दाब की अवस्थाओं में परिवर्तन भी मानसून को प्रभावित करता है, ठीक है। यानी कि जो दक्षिणी महासागर हैं आपके, ठीक है, यानी कि इंडियन ओशियन का जो दक्षिणी सिरा है ये वाला, ठीक है, आप इसको बोल सकते हैं, और जो आपका पैसिफिक ओशियन है इसका साउदर्न हिस्सा है, ठीक है, यहाँ पर भी इसको, ये जो आपके दक्षिणी महासागर हैं, ये इनके ऊपर जो दाब की अवस्था है, ठीक है, वो भी मानसून को प्रभावित करती है। सामान्यतः जब दक्षिण प्रशांत महासागर के उष्ण कटिबंधीय पूर्वी भाग में उच्च दाब होता है, तब हिंद महासागर के उष्ण कटिबंधीय पूर्वी भाग में निम्न दाब होता है, ठीक है। उष्ण कटिबंधीय, देखो ये वहां होता है उष्ण कटिबंधीय, यानी कि आपकी जो इक्वेटर है, ठीक है, या फिर विषुवत है, इस लाइन के आसपास का क्षेत्र, ठीक है, किसके अंतर्गत आता है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है, ठीक है। सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा, ठीक है। देखो मैं बता देता हूँ आपको, देखो ये है आपका इंडियन ओशियन, हिंद महासागर, और ये है आपका पैसिफिक ओशियन, यानी कि प्रशांत महासागर, ठीक है। ऊपर वाला नॉर्दर्न हिस्सा, नीचे वाला साउदर्न, यानी कि दक्षिणी, ऐसे ही इंडियन ओशियन में नीचे वाला दक्षिणी। तो आपको पता होना चाहिए जो आपकी विषुवत रेखा है वो कहाँ से होकर गुजरती है, वो यहाँ से होकर गुजरती है, जो विषुवत रेखा है आपकी यहाँ से होकर गुजरती है, यानी कि इसके आसपास का जो रीजन है, ठीक है, वो क्या कहलाता है आपका, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है, ठीक है, पूरी के आसपास, ठीक है, ये आपको समझना होगा। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते किसे, ठीक है। उसके बाद देखो, अब जब दक्षिण प्रशांत महासागर के उष्णकटिबंधीय पूर्वी भाग में उच्च दाब होता है, यानी कि इस क्षेत्र में दक्षिणी, यानी कि इस क्षेत्र में जब कैसा होता है, उच्च दाब होता है, तब हिंद महासागर के उष्णकटिबंधीय पूर्वी भाग में कैसा दाब होता है, यहां पर निम्न दाब होता है, ठीक है। मैंने पहले ही बताया था आपको कि जो हवाएं हैं वो उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ प्रभावित होती हैं, ठीक है। अब देखो, लेकिन कुछ विशेष वर्षों में वायु दाब की स्थिति विपरीत हो जाती है, ठीक है, तथा पूर्वी प्रशांत महासागर के ऊपर हिंद महासागर की तुलना में निम्न दाब का क्षेत्र बन जाता है, यानी कि कभी कभी यहाँ इसके उल्ट हो जाता है, यहाँ पर निम्न दाब का क्षेत्र बन जाता है और यहाँ पर उच्च दाब का क्षेत्र बन जाता है, ठीक है। तो इससे भी जो आपका मानसून है वो प्रभावित होता है, ठीक है, क्योंकि मैंने बताया था आपको मानसून की जो अवस्थिति पिछली वीडियो क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं कि मानसून भारत में किस तरफ से एंटर करता है या फिर प्रवेश करता है, ठीक है, कौन सी हवाओं से प्रवेश करता है। आगे देखो, दाब की अवस्था में यह नियतकालीन परिवर्तन को दक्षिणी दोलन के नाम से जाना जाता है, यानी कि दक्षिणी दोलन किसे कहते हैं, इसी अवस्था को, ठीक है, नियतकालीन परिवर्तन को, ठीक है, जो ये जो परिवर्तन है ये जो चलता रहता है, ठीक है, लंबे काल तक, लंबे समय तक, इस अवस्था को ही क्या बोलते हैं, दोलन के, दक्षिणी दोलन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। पहले तो आपको पता होना चाहिए दोलन किसे कहते हैं। आपने घड़ी में देखा होगा एक नीचे बड़ा सा घंटा हिलता रहता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, दोलन बोलते हैं, ठीक है, कभी इधर होता है वो, कभी उधर होता है, ठीक है, इसी चीज से उसको रिलेट करते हुए यहाँ पर बोला गया है दक्षिणी दोलन, यानी कि साउथ के जो महासागर है उसमें जो दोलन हो रहा है, कभी इधर दाब ज्यादा, कभी दाब उधर ज्यादा, ठीक है, इसको क्या बोला गया है, दक्षिणी दोलन बोला गया है। आगे देखो, डार्विन उत्तरी ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया तथा ताहिती के दाब के अंतर की गणना मानसून की तीव्रता के पूर्वानुमान के लिए की जाती है, यानी कि जो उत्तरी डार्विन है, यानी कि उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, यानी ये वाला हिस्सा, यहाँ वाला हिस्सा आप देखोगे
ये जो आपका जो डार्विन है वो यहाँ, ठीक है, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। और यहाँ पर ताहिती, प्रशांत महासागर 18 डिग्री दक्षिणी, 149 डिग्री पश्चिम, यानी कि ये आपका, आप यहाँ पर दक्षिण में बताया है और यानी कि 18 डिग्री इसका क्या है, अक्षांश है, और 149 डिग्री क्या है, देशांतर है, ठीक है। ये क्षेत्र आपका यहाँ पड़ेगा, ठीक है। तो इन क्षेत्रों का अनुमान किया जाता है, ठीक है। इनको हम क्या लेते हैं, इनकी गणना करते हैं, दाब की गणना करते हैं कि यहाँ पर दाब कितना ज्यादा कम हो रहा है, ठीक है। इनके दाब के अंदर अंतर कितना है, ठीक है, उसके हिसाब से हम क्या करते हैं, मानसून की तीव्रता का पूरा अनुमान करते हैं, ठीक है। आगे बात समझ में, आपको दोबारा बता देता हूं मैं कि जब भी भारत के अंदर जो मानसून की तीव्रता का पूरा अनुमान किया जाता है, यानी कि अनुमान लगाया जाता है कि उसकी तीव्रता कितनी होगी, तब क्या पता किया जाता है, जो उत्तरी ऑस्ट्रिया में, ऑस्ट्रेलिया में जो डार्विन है उस क्षेत्र का दाब, और जो ताहिती है, ठीक है, जो यहाँ है, ठीक है, यहाँ के आसपास है, मैंने आपको बताया था, ठीक है, यहाँ है इसका दाब, ठीक है। इन दोनों के दाब के अंतर को, उसकी गणना की जाती है, इनके अंदर दाब कितना है, ठीक है, उसके हिसाब से ही इसका अनुमान किया जाता है। अगर आगे देखो, अगर दाब का अंतर ऋणात्मक है तो इसका क्या अर्थ होगा, औसत से कम तथा विलंब से आने वाला मानसून, यानी कि अगर ऋणात्मक आ रहा है दाब, ठीक है, तो क्या होगा, जो अबकी बार जो बारिश होगी या फिर मानसून होगा उसके अंदर जो बारिश है वो कम होगी और थोड़ा सा देरी से वो आएगा, ठीक है। ऋणात्मक से क्या मतलब है कि जो डार्विन का जो दाब है वो कम होगा और ताहिती का जो दाब है अगर वो ज्यादा हुआ तब क्या आएगा, अंतर ऋणात्मक आएगा, ठीक है, नेगेटिव में आएगा। और इससे आपको मैंने बता दिया कि इसका मतलब क्या निकलता है। आगे देखो, अलनीनो, ठीक है, अलनीनो क्या है, अलनीनो दक्षिण दोलन से जुड़ा हुआ एक लक्षण है, यानी कि जो दक्षिणी दोलन है आपका, मैंने अभी बताया था, ठीक है, उसी से जुड़ा हुआ एक लक्षण क्या है, उसका नाम एल नीनो। यह एक गर्म समुद्री जल धारा है। कैसी जल धारा है, गर्म, यानी कि इस जल धारा का जो पानी है वो कैसा होगा, गर्म होगा, ठीक है। जो पेरू की ठंडी धारा के स्थान पर प्रत्येक 2 या 5 वर्ष के अंतराल में पेरू तट से होकर बहती है, यानी कि जो पेरू का तट है, पेरू जो शहर है उसके साथ कौन सी धारा है, ठंडी धारा है, ठीक है। लेकिन उस ठंडी धारा के स्थान पर, ठीक है, प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल में ये जो गर्म जल धारा है एल नीलो, ठीक है, ये पेरू के तट पर होकर बहती है, ठीक है। पहले तो आपको पता होना चाहिए जो पेरू है वो कहाँ पर है। चलो दिखाते हैं आपको वर्ल्ड मैप के अंदर पेरू की स्थिति कहाँ है। देखो ये है आपका वर्ल्ड मैप, ठीक है, ये है आपका पेरू, देखो ये आपका पेरू है, ठीक है, ये आपका पेरू है, ये वाला हिस्सा पेरू है, ठीक है, ये वाला हिस्सा है जो साउथ अमेरिका के अंदर, ये वाला हिस्सा, ये पेरू कंट्री है, ठीक है। और यही आपका साउथ पैसिफिक ओशियन है, ठीक है। ये मत समझना कि सर आपने तो इस साइड बताया था साउथ पैसिफिक ओशियन, ठीक है, दक्षिणी जो आपका प्रशांत महासागर था, लेकिन अब आप बता रहे हो ये इस साइड है। आपको पता होना चाहिए दुनिया गोल है, ठीक है, यही जो प्रशांत महासागर है, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ठंडी जलधारा बहती है, लेकिन एलिनो एक ऐसे ही एक कारक है, किसका, आपका दक्षिणी दोलन का, ठीक है, उसी दक्षिणी दोलन के कारण जो एलिनो है, ठीक है, वो जो एक गर्म जल धारा है वो 2 या 5 वर्ष के अंतराल पर यहाँ पर आती है और समुद्र जो पेरू का जो समुद्री तट है उसे टकरा के वापिस जाती है, ठीक है, समझ गए। तो आगे रीड करते हैं आपका लेसन, आगे है, दाब की अवस्था में परिवर्तन का संबंध एलिनो से है, यानी कि जो दाब की अवस्था है जब उसके अंदर परिवर्तन होता है, ठीक है, तो उसका संबंध ही एलिनो से है।
इसलिए इस परिघटना को एनसो यानी कि एल नीनो, ई से एल, एन से नीनो, एस से साउथ, ठीक है, दोलन ऑक्सीलेटरी, ठीक है, तो एल नीनो दक्षिणी दोलन भी कहा जाता है। अब देखो एल नीनो के बारे में थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। ठंडी पेरुजल धारा के स्थान पर अस्थायी तौर पर गर्म जल धारा के विकास को एल नीनो का नाम दिया गया है, ठीक है, यानी कि जो पेरू के साथ जो तट है समुद्र का, वहां पर ठंडी जलधारा बहती है, यानी कि वहां समुद्र के अंदर जो जलधारा है उसका पानी ठंडा होता है, लेकिन अब इसी दक्षिणी दोलन के कारण वहां पर कभी कभी गर्म जलधारा भी आ जाती है और उसका नाम दिया गया है, क्या नाम दिया गया है, एल नीनो। एल नीनो क्या है, एक स्पेनिश शब्द है, स्पेन एक देश है, उसका एक शब्द है जिसका अर्थ होता है बच्चा, तथा जो कि बेबी क्राइस्ट को व्यक्त करता है, ठीक है, क्योंकि यह धारा क्रिसमस के समय बहना शुरू करती है, यानी कि जो आपका 25 दिसंबर क्रिसमस का दिन होता है, ठीक है, उसके आसपास ये धारा है बहना शुरू करती है और बेबी क्राइस्ट का इसको नाम दिया गया है, यानी कि आगे है, एल नीनो की उपस्थिति समुद्र की सतह के तापमान को बढ़ा देती है, जो एल नीनो के कारण क्या, जो समुद्र की जो सतह है उसका तापमान बढ़ जाता है तथा उस क्षेत्र में व्यापारिक पवनों को शिथिल कर देती है, यानी कि रोक देती है, ठीक है। तो आज का जो हमारा लेसन है हम यहीं तक रीड करेंगे। आशा है आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। आपको हमारी वीडियो क्लास अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।